सो आई एम बैक विद अनदर कॉन्टेंट एंड गाइज आज बात करने वाले हैं हम लोग इग्निशन लॉक के बारे में एंड इग्निशन लॉक में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है फ्लिकरिंग की हम लोग कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये रिजॉल्व नहीं करना आता है तो यार आप लोग क्या करते हो, तीनों लॉक्स चेंज करते हो या फिर एक लॉक चेंज करोगे। एक लॉक चेंज करोगे तो इसकी और बैक सीट की चाबी अलग हो जाती है और इग्निशन की चाबी अलग हो जाती है, जो कि यार बहुत प्रॉब्लम करती है। तो एक की रहना ना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए हम तीनों लॉक नहीं चेंज कर सकते। तो आज बात करेंगे उसी की लॉक को, इसको कैसे हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, बने रहना आगे तक। सो गाइस प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है कि जब भी मैं चाबी को ऑन कर रहा हूँ ये इशू आ रहा है, देखो ये कई बार ये दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो इग्निशन में ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, देखो समटाइम्स हो जाती समटाइम्स नहीं होती, तो इसका भी यार कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सो यार पहले मैंने इग्निशन लॉक जो है अपना रिमूव कर लिया है, ठीक है। इसके नीचे दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट तो हमारा यही रहता है जिससे हम ऑन ऑफ करते हैं, बट जो मेन ऑन ऑफ होता है ना आपको मैं बताता हूँ, वो मेन चीज़ होती है इस लॉक के नीचे। सो गाइस प्रॉब्लम जो हो रही है वो जो इग्निशन लॉक का जो नीचे वाला होता है ना, नीचे वाला पार्ट होता है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें जो दो कनेक्शंस होते हैं आपके, ठीक है, ये वाले, ये ढंग से टच नहीं हो पाते हमारी जो इग्निशन का जो सर्किट है, दिखाता हूँ मैं आपको ये वाला। सो इस पर ढंग से मतलब नहीं वो कर पाते हैं कनेक्शन एस्टेब्लिश, तो इसी वजह से प्रॉब्लम आती है। देख रहे हो आप, इस पर कार्बन जम रही है, तो ये क्लीन करना है, ठीक है। और ये इस पर टच होते हैं तब जाके ये आपका कनेक्शन बनता है इस पर, और प्रॉब्लम कर ही रही है यार, स्प्रिंग्स प्रॉब्लम कर रही है, या तो प्रॉब्लम कर रही है हमारी ये कार्बन। तो इसको क्लीन करेंगे और दोबारा से इसको एक बार फिट करते हैं, तो लेट्स सी और लेट्स ट्राई कि हो पाता है नहीं। सो फिलहाल देखो यार ये कितना क्लीन लग रहा है ना, तो इसको ना मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें इस तरीके से इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो चांसेस विल बी देयर, तो मतलब ये निकालते हुए यार ये हल्का सा ब्रेक हो सकता है, बट इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेन सर्किट्स इसके सही रहने चाहिए, ठीक है। बाकी से क्लीन कर लेना, और इससे आपको लॉक बदलने की, इग्निशन लॉक बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल। सो इसको भी आप इससे अलग करके, ये जो पार्ट है इसको स्प्रिंग से अनलॉक करके, और इसको भी क्लीन कर सकते हो एक बार, सो दैट इसमें भी कोई इशू ना आ जाए। सो यार स्प्रिंग ने इसको इसमें लगवाने से पहले एक बार स्प्रिंग को थोड़ा स्ट्रेच कर लेना, सो दैट ये ना टाइट हो जाएगा नए की तरह, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे बाहर की तरफ को और फिर दोबारा लगा देंगे। सो देखो यार ये इस तरीके से बैक में इसमें लग जाता है, ठीक है। एंड ये लॉक्स का ध्यान देना है, लॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है लगने। तो जैसे इसको आप इंसर्ट करोगे ना, तो एक चीज़ का ध्यान देना है, जो वायर है वायर इस वाले सेक्शन में आएगा और तभी जाके ये ढंग से पैक हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, इसका ये ढक्कन है इसके पीछे, ये कैप लगा देनी है, दैट्स इट। और फंक्शनैलिटी एक बार मैं दिखा देता हूँ इस तरीके से वर्क कर रहा है। सो जो लोअर पार्ट है यार वो पूरा फिक्स हो चुका है, ठीक है। अब एक बार इसके ना हम इग्निशन लॉक की भी सर्विस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इग्निशन लॉक की सर्विसिंग में आपको करना कुछ नहीं है, ये जो स्प्रिंग देख रहे हो इसको क्लीन करना है, ये लॉक क्लीन करना है, और बाकी यहाँ पे थोड़ा सा WD-40 एंड ऊपर से थोड़ा WD-40 बस, बाकी ऑल गुड है, ऑल सेट है। और जो लोअर पार्ट है ना, जो मेन इशू कर रहा था, मतलब फ्लिकरिंग कर रहा था जब आप ऑन ऑफ करते हो, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में भी प्रीवियसली दिखाया था, तो वो प्रॉब्लम भी अब सॉर्ट आउट हो चुकी है। एंड अभी से क्लीन करते हैं, पहले बहुत ही माइनर सी ग्रीसिंग इसमें और इसके लोअर पार्ट में भी, सो दैट दोनों को हम इसको जब कनेक्ट करेंगे तो इसमें फंक्शनैलिटी एकदम गजब होनी चाहिए, ठीक है ना। लॉक एकदम सही से वर्क करेगा इस ग्रीस की वजह से। सो अब देखो यार इग्निशन गाइस, इग्निशन एकदम मतलब बिल्कुल परफेक्ट पकड़ रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइट्स को देखना, ऑन ऑफ ऑन ऑफ, पहले क्या होता फ्लिकर आ रही थी इसमें, ठीक है, अब फ्लिकर नहीं आ रही है। देखो ये देखो, कोई फ्लिकर नहीं है, देखो कोई फ्लिकर नहीं है, एकदम गजब है। और ये लॉक हो गया, ये ऑन ऑफ। ओपन करते हुए भी ध्यान रखना कि यार ये ना यहीं से ओपन होते हैं, इसमें नट अंदर से जाते हैं इसमें, ठीक है,
तो ये कुछ इस तरीके से लग जाता है, एंड नट इसके नीचे की साइड से ब्लैक वाले में से यहाँ लग जाता है, ठीक है ना, ये रहा। तो यहीं से ओपन एंड क्लोज हो सकता है। सो देख लो यार, इसमें अभी कोई फ्लिकरिंग नहीं है और लॉक प्रॉपरली वर्क कर रहा है इग्निशन का। दैट्स ऑल फॉर द टुडे गाइस, एंड कैसा लगा व्लॉग जरूर से कमेंट करके बताना, एंड मिलते हैं फिर किसी नए टेक्निकल व्लॉग में। टिल देन लाइक शेयर टू दिस वीडियो, और कोई भी इशू होता है आप लोग इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, एंड टिल देन बाय बाय।